हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मेडिको हेल्प में, जहां आप पाते हैं मेडिकल की संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिसिन अनवांटेड 72 के बारे में। अनवांटेड 72 इस मेडिसिन का एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है, जबकि इसमें एक्टिव कंपाउंड के रूप में लिवोनोर्जेस्ट्रल पाया जाता है, जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यानी इसके अदर ब्रांड नेम, टैबलेट के यूजेस, टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट, यह टैबलेट किस प्रकार अपना कार्य करती है, इसे कब व किस प्रकार लेना चाहिए व अनवांटेड 72 मेडिसिन से रिलेटेड अदर इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप बने रहिए वीडियो में एंड तक पूरी जानकारी के लिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेडिसिन तथा मेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ हर रोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में शुरुआत में बताया गया, अनवांटेड 72 टैबलेट में एक्टिव कंपाउंड के रूप में लिवोनोर्जेस्ट्रल पाया जाता है। लिवोनोर्जेस्ट्रल प्रोजेस्टिन क्लास की मेडिसिन है, यानी फीमेल हार्मोन्स रिलेटेड यह मेडिसिन है। इसको एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स भी कहा जाता है। वहीं यह टैबलेट मार्केट में ब्रांड नेम जैसे अनवांटेड 72, आई पिल, ईजी, ओ पिल, इन नामों से यह टैबलेट मार्केट में आती है। इसके ब्रांड एरिया वाइज अलग अलग हो सकते हैं, पर अपने जेनरिक नेम लिवोनोर्जेस्ट्रल से यह टैबलेट कहीं भी आसानी से मिल जाती है। यह टैबलेट सिंगल पैकिंग में होती है, जिसमें यह 1.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मौजूद होती है। अब मेनली बात करते हैं इसके यूज़ की, तो अनवांटेड 72 टैबलेट का यूज़ आफ्टर अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स ही किया जाता है, वो भी फीमेल पार्टनर के द्वारा, यानी यह संभोग के बाद ही यूज़ की जाने वाली टैबलेट है। उस कंडीशन में जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव ना करना चाहती हो या गर्भ धारण ना करना चाहती हो, यह टैबलेट फीमेल के ओवरी से एग रिलीज्ड होने से रोकती है, जिसके कारण मेल स्पर्म को एग ना मिलने पर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। बट अगर एग पहले से ही रिलीज्ड हो चुका हो तो फिर भी यह टैबलेट अपना वर्क करती है, मेल स्पर्म को फीमेल एग से फर्टिलाइज होने से रोकती है। और कभी कभी यह टैबलेट यूटेरस में चेंजेस करके भी प्रेगनेंसी को रोकने का कार्य करती है। लेकिन यह टैबलेट अपना इफ़ेक्ट इंटरकोर्स के 72 आवर्स पूरे होने से पहले तक ही अपना इफ़ेक्ट दिखाती है। 72 आवर्स के बाद यह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि तब तक एग फर्टिलाइज हो चुका होगा। तब अदर कॉन्ट्रासेप्टिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अनवांटेड 72 टैबलेट का यूज़ इंटरकोर्स के बाद जितना जल्दी हो सके किया जाना चाहिए, ताकि उसका सक्सेस रेट अच्छा रहे। यह टैबलेट 1 से 1.5 घंटे बाद अपना असर दिखाती है। अगर इसी 1 से 1.5 घंटे के दौरान टैबलेट लेने के बाद फीमेल को वोमिटिंग हो जाती है, तो इस टैबलेट की एक और डोज़ लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पहले ली गई टैबलेट अपना इफ़ेक्ट नहीं दिखा पाएगी। और वोमिटिंग अगर 4 से 6 आवर्स के बाद होती है, तो फिर अदर टैबलेट की ज़रूरत नहीं होती है, तब इसकी एक ही डोज़ काफ़ी होती है। अनवांटेड 72 टैबलेट लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट के रूप में हेडेक, नोज़िया, वोमिटिंग, चेंजिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिजीनेस, ये साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। इस टैबलेट को नॉर्मली वाटर के साथ लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन लिवोनोर्जेस्ट्रल यानी अनवांटेड 72 टैबलेट के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें, तथा अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।